नमस्कार दोस्तों। दोस्तों यदि आप एक स्टूडेंट हैं और आपकी पढ़ाई के विषयों में कंप्यूटर का भी विषय है, तो आपको कंप्यूटर संबंधित एग्जाम पेपर में एक प्रश्न पूछा गया होगा या भविष्य में पूछा जा सकता है, वो है कंप्यूटर के प्रयोग क्षेत्र। तो आज हम आपको बताएंगे कंप्यूटर को किन किन क्षेत्रों में प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कंप्यूटर के प्रयोग क्षेत्र में व्यक्तिगत क्षेत्र। दोस्तों जब हम अपने कंप्यूटर पर काम करते हैं, कंप्यूटर पर कोई बिजनेस से संबंधित काम करते हैं, या हम पर्सनल वर्क करते हैं, या कह सकते हैं मनोरंजन के लिए कंप्यूटर यूज करते हैं, तो वो एक व्यक्तिगत क्षेत्र होता है जहां पर हम अपने कंप्यूटर संबंधित काम कर सकते हैं। वो कंप्यूटर संबंधित कोई भी काम हो सकता है, चाहे हम उसमें हिसाब किताब बना रहे हों या नॉर्मल टाइपिंग कर रहे हों, हम अपना काम कर रहे हैं उनको हम व्यक्तिगत क्षेत्र ही कहते हैं। व्यक्तिगत क्षेत्र में हम अपने पर्सनल काम करते हैं कंप्यूटर से संबंधित। ठीक है दोस्तों, सेकंड में आते हैं, चलिए सेकंड व्यापार के क्षेत्र में। दोस्तों आज देख रहे होंगे कंप्यूटर व्यापार में कितना उपयोग किया जा रहा है। आज छोटे से दुकान पर लेकर बड़ी बड़ी कंपनियों में कंप्यूटर का कितना बढ़ चढ़ कर उपयोग किया जा रहा है। आज छोटा सा हिसाब किताब सब कंप्यूटर में रखा जा रहा है। कोई भी फाइल के लिए कोई भी किसी रूम को ना जगह रूम में ना रखकर फाइल की सॉफ्ट कॉपी बनाकर कंप्यूटर में स्टोर करके रखा जा रहा है। तो आज कंप्यूटर व्यापार क्षेत्र में काफ़ी बढ़कर यूज हो रहा है और कंप्यूटर ने ही आज व्यापार क्षेत्र को काफ़ी अच्छा विकसित किया है। तो आज के व्यापार में देखा जाए तो कंप्यूटर को बढ़ चढ़कर अच्छे स्तर पर उपयोग किया जा रहा है और कंप्यूटर के माध्यम से ही आज बिजनेस है वो काफ़ी अच्छे स्तर पर ग्रो होता जा रहा है, क्योंकि कंप्यूटर के माध्यम से व्यापार से संबंधित काम को करना बहुत आसान है और बड़ी बड़ी जो वैल्यू जो होती हैं, बड़ी बड़ी हिसाब किताब होते हैं, वो कंप्यूटर के माध्यम से तुरंत कर दिए जाते हैं। तो इसी वजह से इस क्षेत्र में कंप्यूटर का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है। फिर दोस्तों सरकारी विभाग, आप देख रहे होंगे कि आप कभी भी कोई सरकारी विभाग में गए होंगे तो वहाँ पर कंप्यूटर का आपने देखा होगा कि कितना यूज होता है। सारे सरकारी विभाग अब हाथ से काम नहीं करते, पेपर कॉपी उन टोटली ख़त्म हो चुकी है, वो सारा अपना काम कंप्यूटराइज करते हैं। चाहे सरकारी इंफॉर्मेशन हो, सरकारी जानकारी तैयार करनी हो, सरकारी संबंधित कोई भी डाटा मैनेज करना हो, तो सब वो कंप्यूटर के माध्यम से ही करते हैं। तो जितना भी सरकारी विभाग है और है जो सरकारी विभाग में जितने भी कार्य हैं वो 90% आपको कंप्यूटर के माध्यम से ही किए जा रहे हैं। चाहे आप बिजली विभाग ले लो, चाहे गवर्नमेंट के कोई भी सेक्टर ले लो, है ना दोस्तों। तो अब बात करते हैं मनोरंजन के क्षेत्र में। दोस्तों मनोरंजन के क्षेत्र में तो आप जान ही गए होंगे कि कितना कंप्यूटर क्रेज है। आज छोटे से लेके बच्चे आज घरों के बाहर खेलने की बजाय वो कंप्यूटर पर ज़्यादा समय दे रहे हैं, कंप्यूटर के ज़्यादा समय दे रहे हैं, मोबाइल के ज़्यादा। आप सुने होंगे पबजी पबजी लेकिन मोबाइल में खेला जाता है, लेकिन बहुत से लोग कंप्यूटर में भी खेलते हैं। कंप्यूटर में काफ़ी आपको गेम्स ऐसे मिल जाते हैं जिनमें बच्चे से लेकर बड़े तक दिन रात लगे रहते हैं। तो मनोरंजन का बहुत बड़ा साधन हो गया कंप्यूटर, और कंप्यूटर गेम्स ही नहीं, कंप्यूटर के अंदर सॉन्ग्स वीडियो मूवी। आज की जनरेशन टीवी की बजाय कंप्यूटर पर ज़्यादा समय दे रही है, वो अपने सॉन्ग्स वीडियो टीवी पर ना देखते हुए कंप्यूटर पर ही देख रहे हैं। तो आज सबसे ज़्यादा कंप्यूटर का उपयोग क्षेत्र मनोरंजन भी बना हुआ है। अब बात करते हैं दोस्तों शिक्षा क्षेत्र। जैसे कि आप नाम से ही समझ गए होंगे शिक्षा क्षेत्र में कंप्यूटर का कितना बड़ा योगदान है। आज हर जगह शिक्षा कंप्यूटर के माध्यम से दी जा रही है। आज बिना कंप्यूटर के कोई भी शिक्षा पूर्ण नहीं है। यदि आप डिग्री भी ले बैठे हो और अगर आपको कंप्यूटर नहीं आता तो आपको कोई कंपनी भी या छोटी सी कोई भी आपका सेक्टर गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर आपको नौकरी प्रोवाइड नहीं करा सकता। तो शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का बढ़ चढ़ कर उपयोग किया जा रहा है और लोग वह इसका अच्छे स्तर पर यूज किया जा रहा है। और यहाँ पढ़ाई से संबंधित बात की जाए तो दोस्तों LKG से लेकर हाई लेवल स्टूडेंट के छात्र आज अपनी पढ़ाई कंप्यूटर के माध्यम से ही कर रहे हैं। तो कंप्यूटर का सबसे बड़ा उपयोग क्षेत्र शिक्षा क्षेत्र भी बना हुआ है।
बात करते दोस्तों वैज्ञानिक क्षेत्र। दोस्तों कंप्यूटर की उत्पत्ति तो एक टेक्नोलॉजी क्षेत्र से हुई है, वैज्ञानिक से हुई है। अगर वैज्ञानिक क्षेत्र नहीं होते तो कंप्यूटर कैसे निर्माण होता? तो जाहिर सी बात है कि ये भी सबसे बड़ा क्षेत्र है कंप्यूटर का उपयोग, जहां पर हम मौसम की भविष्यवाणी, अंतरिक्ष में और कोई भी ऐसी एक्टिविटी आती है नेचर से रिलेटेड, प्रकृति से रिलेटेड, वो हमें सूचना मिल जाती है, वो कंप्यूटर के थ्रू ही मिलती है। तो बड़े बड़े कंप्यूटर यहाँ पर बहुत सी बड़ी बड़ी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। वैज्ञानिक, तो वैज्ञानिक क्षेत्र में कंप्यूटर का सबसे ज्यादा उपयोग है, क्योंकि वैज्ञानिक से ही कंप्यूटर निकला है। यदि बड़े बड़े वैज्ञानिक नहीं होते तो आज हम कंप्यूटर लैपटॉप का बिल्कुल यूज नहीं कर रहे थे। तो दोस्तों ये थे हमारे कंप्यूटर के प्रयोग क्षेत्र। हम आपको शॉर्ट में और बता दें, व्यक्तिगत क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग होता है, व्यापार के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग होता है, सरकारी विभाग के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग होता है, मनोरंजन के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग होता है, शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग होता है, वैज्ञानिक क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो काफी हेल्पफुल लगा हो, आपने कंप्यूटर के प्रयोग क्षेत्र को अच्छे से समझ लिया होगा। तो आप इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। ओके फ्रेंड, थैंक्स एंड बाय बाय।